Hello everyone, welcome to Elementary Gyan. In the previous video, we discussed four different types of chemical reactions. Those were combination reaction, decomposition reaction, displacement reaction and double displacement reaction. And there is one more type of chemical reaction, that is redox reaction. So redox reactions kya hoti hain, woh hum aaj is video mein discuss karenge. So redox reactions jo hoti hain, unme oxidation and reduction processes साइमल्टेनियसली अगर होते हैं. एंड ये जो वर्ड है रिडॉक्स, ये शॉर्ट फॉर्म होती है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. ये जो रिडॉक्स वर्ड है REDOX, तो इसके जो फर्स्ट थ्री लेटर्स हैं, ये क्या है, किसके लिए यूज होते हैं? रिडक्शन. एंड ये जो लास्ट टू वर्ड्स हैं OX, ये रिप्रेजेंट करते हैं ऑक्सीडेशन को. इट मींस रिडॉक्स वर्ड जो है, इट इज एन एब्रिविएशन विच इज यूज्ड फॉर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस. मतलब ऐसे प्रोसेसेस या ऐसी केमिकल रिएक्शंस जिसमें रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन पैरेलली हो, उनको कहा जाता है रिडॉक्स रिएक्शंस. बट ये ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेसेस क्या होते हैं? तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है. वो कैसे होता है वो हम देखते हैं. तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑक्सीडेशन क्या होता है. ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर कैसे होता है किसी भी एटम में? किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर, या तो वो क्या करेगा, उसके इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा या फिर इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा. तो जो एटम या जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, उसमें क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है. दैट मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जिस एटम में हो रहा है उसको कहा जाता है ऑक्सीडेशन. मतलब ऑक्सीडेशन क्या है? द प्रोसेस जिसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है किसी भी एलिमेंट. While reduction is gain of electron, मतलब जो एटम इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रहा है तो उसमें क्या होगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा. तो उसका होता है रिडक्शन, उसको बोला जाता है रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. सपोज देर आर टू एटम्स ए एंड बी, कोई टू एटम्स हैं. तो ए एटम बी को क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है. दैट मींस ए का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन. क्योंकि इसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन बी को दे दिया, तो इसके पास क्या हो गया? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. एंड बी का क्या हुआ? रिडक्शन. क्योंकि इसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, इसने ए का जो एटम है वो रिसीव किया है. तो ए का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन. एंड बी का हुआ रिडक्शन. तो जो एटम इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है उसको हम बोलेंगे ए इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड. एंड जो एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है, रिसीव करता है, उसको बोला जाता है बी इज बीइंग रिड्यूस्ड. तो ये होते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस. लेकिन आप यहां देखिए, ये जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसको हम बोल रहे हैं रिडक्शन. जबकि रिडक्शन वर्ड जो होता है इसका मतलब होता है किसी चीज की कमी, किसी चीज का रिड्यूस हो जाना. लेकिन यहां पर तो गेन हो रहा है और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम बोल रहे हैं रिडक्शन. तो ऐसा उल्टा क्यों, इसको हम समझते हैं. आप ये तो जानते ही होंगे कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो होता है वो वन यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज कैरी करता है. ठीक है, तो जब भी किसी एटम में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो उसका क्या होता है? उसका चार्ज जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है. किसी भी एटम पर कौन कौन से चार्ज हो सकते हैं? 3 units ऑफ पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, 2 units ऑफ पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, 1 unit ऑफ पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, या फिर कोई एटम न्यूट्रल भी हो सकता है. और वो न्यूट्रल होता है तो उस पर चार्ज होता है 0, या फिर उस पर 1 unit ऑफ नेगेटिव चार्ज हो सकता है, 2 units ऑफ नेगेटिव चार्ज हो सकता है, या फिर 3 units ऑफ नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है. तो
जब भी किसी एटम में अगर हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो अगर उस पर प्लस 3 चार्ज है तो वो क्या हो जाएगा, वो 2 पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा। दैट मींस जैसे जैसे उस पर एडिशन होगा इलेक्ट्रॉन का, उसका चार्ज जो होगा वो इट गोज डाउन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसका चार्ज जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है, इसलिए हम गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को कहते हैं रिडक्शन। रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन्स का तो क्या होता है, गेन होता है, बट चार्ज जो होता है उसका रिडक्शन हो जाता है। तो अब ये ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को लर्न कैसे किया जाए, इसको लर्न करने के लिए शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं, वो क्या है वो मैं आपसे डिस्कस करती हूँ। फर्स्ट ट्रिक है, 2 ट्रिक्स मैं डिस्कस करूंगी। फर्स्ट ट्रिक होती है ऑयल रिग। तो ऑयल रिग, यहां पर ओ स्टैंड्स फॉर ऑयल, में से ओ स्टैंड्स फॉर ऑक्सीडेशन, ई स्टैंड्स फॉर ई, इस आई स्टैंड्स फॉर इस, एंड एल स्टैंड्स फॉर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड आर आई जी में आर स्टैंड्स फॉर रिडक्शन, आई स्टैंड्स फॉर इस, एंड जी स्टैंड्स फॉर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट ट्रिक हो गई। इस ट्रिक के हेल्प से आप इजीली लर्न कर सकते हैं कि ऑक्सीडेशन में तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। एंड देयर इज वन मोर इंटरेस्टिंग ट्रिक, वो शॉर्ट ट्रिक है, सेकंड ट्रिक है, लियो सेज गर्ड, इसको भी कैप्स में लिखते हैं, लियो सेज गर्ड। तो लियो क्या होता है, लियो साइन होता है एक जोडियक साइन, आपने देखा होगा सिंह राशि होती है, तो लियो मींस क्या होता है, लायन, एंड लायन क्या होता है, लायन गुर्राता है, लायन सेज गुर्र। तो इस तरह से आप इसको लर्न कर सकते हैं। तो लियो स्टैंड्स फॉर, लियो में जो एल है इट स्टैंड्स फॉर लॉस, एंड ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, एंड इसमें जी ई आर है ये हमें क्या बता रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। तो इन 2 ट्रिक्स की हेल्प से आप इजीली लर्न कर सकते हैं कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन, एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है रिडक्शन। ठीक है, तो ये तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की बात हुई इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बट जो क्लासिकल कॉन्सेप्ट था, मतलब अर्लियर जो कॉन्सेप्ट गया था ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का, इट वॉज बेस्ड ऑन एडिशन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स। तो उसकी हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की टर्म्स में डेफिनेशन कैसी होगी, लेट अस सी। यहां पर हम एक साइड में ऑक्सीडेशन लिख लेंगे एंड यहां पर हम लिख लेंगे रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की टर्म्स में हम उसकी बात कर रहे हैं। तो जब किसी भी एलिमेंट में से या किसी भी केमिकल रिएक्शन में हाइड्रोजन का रिमूवल हो, हाइड्रोजन एटम का या हाइड्रोजन एलिमेंट का या फिर किसी भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का रिमूवल हो और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का और ऑक्सीजन का एडिशन हो, उसको कहा जाता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या हो गया, ऑक्सीडेशन इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और एन इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या होते हैं, जिन पर नेगेटिव चार्ज हो उनको बोला जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर
निगेटिवली चार्ज कोई भी एलिमेंट अगर उसमें ऐड हो रहा है उस रिएक्शन में तो उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन। और जब किसी एलिमेंट में, जब किसी केमिकल रिएक्शन में हाइड्रोजन का लॉस हो रहा हो या उसमें से हाइड्रोजन या किसी इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट का रिमूवल हो रहा है तो भी उसको बोला जाता है ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एन इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। कोई पॉजिटिवली चार्ज एलिमेंट उसमें उस रिएक्शन में रिमूव हो रहा है दैट मींस वो क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन इसका रिवर्स प्रोसेस होता है, मतलब जिस प्रोसेस में ऑक्सीजन और कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रिमूव हो रहा हो और हाइड्रोजन और कोई इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट एड हो रहा हो उस प्रोसेस को कहा जाता है रिडक्शन। रिडक्शन इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और एन इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एन इलेक्ट्रो निगेटिव एलिमेंट। तो ये जो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेसेस हैं ये किसी भी केमिकल रिएक्शन में साइमल्टेनियसली अगर होते हैं, क्योंकि हमने ये डिस्कस किया कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन तो क्या होता है ऑक्सीडेशन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है रिडक्शन। तो जब कोई एलिमेंट क्या करेगा, जब किसी एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी तभी तो कोई दूसरा एलिमेंट उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ऐसे हवा में तो नहीं डोनेट कर देगा। तो ये जो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेसेस हैं ये पैरेलली अकर होते हैं, मतलब साथ साथ ही चलते हैं। जैसे ही मतलब ऑक्सीडेशन होगा किसी भी केमिकल रिएक्शन में उसी टाइम पर रिडक्शन होगा, साइड बाय साइड होते हैं, ठीक है, इसीलिए इनको कहा जाता है रिडॉक्स रिएक्शन। तो इसका एग्जांपल क्या होगा, इसका अब हम एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन गैस एक साथ रिएक्ट कर क्या बनाती हैं, हाइड्रोजन फ्लोराइड का फॉर्मेशन करती हैं, H2+F2 रिएक्ट करके बनाती हैं हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, इस रिएक्शन में हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है फ्लोरीन के साथ, दैट मींस क्या हो रहा है, इसका हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है। हाइड्रोजन का एडिशन क्या होगा, रिडक्शन हाइड्रोजन का एडिशन तो किसमें हो रहा है, फ्लोरीन में, और हाइड्रोजन इस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ क्या हो रही है, ऐड हो रही है। तो हाइड्रोजन का क्या हो रहा है यहां पर, ऑक्सीडेशन एंड फ्लोरीन का क्या हो रहा है, फ्लोरीन के साथ हाइड्रोजन एलिमेंट आकर ऐड हो रहा है तो इसका हो रहा है रिडक्शन। अब इनको ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को हम इंडिविजुअली समझते हैं इस वाली रिएक्शन में। तो इस वाली रिएक्शन में ऑक्सीडेशन क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है हाइड्रोजन का, क्योंकि इसमें इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है फ्लोरीन वो आकर ऐड हो रहा है, और फ्लोरीन का हो रहा है रिडक्शन क्योंकि इसमें हाइड्रोजन एलिमेंट जुड़ रहा है, ठीक है। तो इसको हम इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन में समझते हैं कि यहां पर इंडिविजुअली ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन कैसे हो रहा है। तो यहां पर हमारे पास क्या है, ऑक्सीडेशन हम देख रहे हैं, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन कैसे हो रहा है, H2 है हमारे पास, 2 हाइड्रोजन एटम है, तो 2 हाइड्रोजन एटम का क्या हो रहा है, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन ये लूज कर रहा है,
टू इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है, तो इस पर क्या चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका ऑक्सीडेशन, क्योंकि इसने क्या किया, लूज कर गया इलेक्ट्रॉन, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन। अब रिडक्शन क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है फ्लोरीन। यहां पर देखिए फ्लोरीन किसके साथ ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन के साथ। तो हमारे पास है एफ टू, इसने क्या किया, ये टू इलेक्ट्रॉन्स जो इसने डोनेट किए हैं हाइड्रोजन ने, वो क्या कर लिए, रिसीव कर लिए, एक्सेप्ट कर लिए, और क्या हो गया, ये फ्लोरीन माइनस चार्ज आ गया इस पर, टू फ्लोरीन आ गया, ठीक है। एफ टू प्लस टू इलेक्ट्रॉन, टू इलेक्ट्रॉन्स इसने गेन किए, तो इस पर क्या आ गया, निगेटिव चार्ज। तो ये है ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन। अब इन रिएक्शंस को बोला जाता है हाफ रिएक्शंस, दीज रिएक्शंस आर कॉल्ड हाफ रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो है ये भी हाफ रिएक्शन है, और रिडक्शन रिएक्शन जो है ये भी हाफ रिएक्शन है, क्योंकि ये हाफ हाफ स्टोरी तो बता रही है, अधूरी स्टोरी है ये इस रिएक्शन की, पूरी स्टोरी तो ये है, तो इसलिए इनको बोला जाता है हाफ रिएक्शन। इसको हम एक और एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं, जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पैरेलली अगर हो रहे हैं। तो इसको हम एक और सिंपल एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। इसका बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल क्या होगा, सोडियम Na प्लस क्लोरीन, ये रिएक्ट करके बनाते हैं सोडियम क्लोराइड। सॉल्ट जो हम नमक खाते हैं उसका फॉर्मेशन होता है सोडियम एंड क्लोरीन से। तो इसमें क्या हो रहा है, इस रिएक्शन में आप देखिए जो सोडियम है इसका तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। सोडियम इज बीइंग ऑक्सीडाइज बिकॉज इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट अगर ऐड हो रहा है, या फिर ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, इसलिए इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। एंड ये जो क्लोरीन है इसका हो रहा है रिडक्शन, क्योंकि क्योंकि इस पर कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जो कि क्या है, सोडियम, वो आकर ऐड हो रहा है, या फिर हम कहें कि ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, इसलिए ये क्या है, इसका रिडक्शन हो रहा है। इनकी हाफ रिएक्शंस क्या होंगी, लेट अस सी हाफ रिएक्शंस। हाफ रिएक्शंस हो रही हैं, तो जो सोडियम है वो क्या कर रहा है, अपने में से टू इलेक्ट्रॉन, अपने में से एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है इसलिए इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। और क्लोरीन पर क्या हो रहा है, क्लोरीन ये वाला एक इलेक्ट्रॉन सेप करके क्या बना रहा है, क्लोराइड आयन सीएल माइनस। क्योंकि हमने जब आयोन्स डिस्कस किए थे, हमने ये पढ़ा था कि जब कोई भी एलिमेंट या कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, दैट मीन्स वो क्या कर रहा है, पॉजिटिव काम कर रहा है, डोनेशन अच्छा काम होता है। तो डोनेट करने पर क्या आएगा, उस पर पॉजिटिव चार्ज। और जब इलेक्ट्रॉन वो गेन कर रहा है, तो इसको हम ऐसे मान सकते हैं कि वो बोरो कर रहा है, तो बोरो करना गुड थिंग नहीं होती, इसलिए निगेटिव काम होता है, इसलिए इस पर क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज। तो ये थी इनकी हाफ रिएक्शन। तो यहां पर इसकी पूरी रिएक्शन क्या होगी, Na प्लस Cl, Na प्लस Cl माइनस, ये कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये भी क्या थी, रिडॉक्स रिएक्शन। इसमें पैरेलली ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हो रहे थे साथ साथ में। अब कुछ टर्म्स होती हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स, वो क्या होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स ऐसे एजेंट, मतलब ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है।
मतलब उसका अगर रिडक्शन हो रहा है तो उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों कह रहे हैं? एजेंट मतलब क्या होता है? एजेंट मतलब जो हमें किसी काम करने में हेल्प करते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है? जो ऑक्सीडेशन के लिए हमें हेल्प कर रहा है, तो जो जिस एलिमेंट की वजह से ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको क्या कहेंगे हम? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और वो कौन सा एलिमेंट है इस एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो, इस एग्जाम्पल में ऑक्सीडेशन हो रहा है सोडियम का, लेकिन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? क्लोरीन। क्योंकि जब क्लोरीन को एटम की जरूरत होगी, इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, तभी तो सोडियम उसको डोनेट करेगा। तो इसलिए क्लोरीन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है सोडियम के ऑक्सीडेशन के लिए। इसलिए क्लोरीन क्या है इस वाली रिएक्शन में? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीडेशन। और जो सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है वो क्या होगा? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूस्ड एलिमेंट। तो ये तो हो गई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात। अब रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट, तो जिस तरह से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स वो थे जो रिडक्शन के लिए, ऑक्सीडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होंगे? जो रिडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो रिडक्शन के लिए कौन से एलिमेंट्स रिस्पॉन्सिबल हैं जिनका ऑक्सीडेशन हो रहा है? तो वो सब्सटेंसेस जो रिड्यूस हो रहे हैं, सॉरी ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, वो क्या होंगे? सब्सटेंसेस वो होंगे रिड्यूसिंग एजेंट, बीइंग रिड्यूस्ड, बीइंग ऑक्सीडाइज्ड, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिडक्शन। इसलिए उनको क्या कहा जाएगा? उनको कहा जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। तो इस वाले एग्जाम्पल में सोडियम क्लोराइड वाले में जो सोडियम है इसका तो क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। इसलिए ये तो क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। इसको हम एक और एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉपर ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन की रिएक्शन की हम बात करते हैं। तो कॉपर ऑक्साइड क्या होता है? CuO प्लस हाइड्रोजन, और ये रिएक्ट करके क्या करते हैं? ये बना लेते हैं H2O एंड C। तो इस रिएक्शन में आप देखिए, इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन कहाँ हो रहा है? ये रेडॉक्स रिएक्शन है। कैसे है? क्योंकि ये जो कॉपर है इसमें से क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है। दैट मींस कॉपर इज बीइंग रिड्यूस्ड। कॉपर का क्या हो रहा है? रिडक्शन, क्योंकि इसमें से ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है। और हाइड्रोजन के साथ क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। दैट मींस हाइड्रोजन इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड। इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो इसमें ऑक्सीडेशन एंड ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स कौन कौन से हैं? तो यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जिसका रिडक्शन हो रहा है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा? कॉपर। कॉपर का ही तो रिडक्शन हो रहा है, CuO, कॉपर ऑक्साइड। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा? जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा? हाइड्रोजन, H2। मतलब ये इसमें ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट जब हमें पता करना है तो हम फ्लिप फ्लॉप कर देंगे। फ्लिप फ्लॉप मतलब जिसका रिडक्शन हो रहा है वो तो होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो होगा रिड्यूसिंग एजेंट। सो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होती हैं? ऐसी रिएक्शंस जिनमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेसेस पैरेलली अगर होते हैं, साइमल्टेनियसली एटम्स इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? डोनेट करते हैं और रिसीव करते हैं।
उसको बोला जाता है रिडॉक्स रिएक्शन। और ऑक्सीडेशन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड रिडक्शन होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिनको हम इन ट्रिक्स के हेल्प से इजीली लर्न कर सकते हैं। उसके बाद इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में हम बात करें, तो जब किसी भी रिएक्शन में, किसी सब्सटेंस में अगर हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है या किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का रिमूवल हो रहा है, दैट मीन्स वो क्या है, ऑक्सीडेशन, क्योंकि उसमें क्या होता है ऑक्सीजन या फिर किसी निगेटिवली चार्ज एलिमेंट का एडिशन होता है। और ऐसे रिडक्शन में क्या होता है, ऑक्सीजन या किसी निगेटिवली चार्ज एलिमेंट का रिमूवल हो लेकिन हाइड्रोजन या किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिवली चार्ज एलिमेंट का एडिशन हो, तो उसको बोला जाता है रिडक्शन। और ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं वो भी हमने साथ साथ डिस्कस किए हैं। तो अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नाउ आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप लर्निंग, थैंक यू।